5 जनवरी को भी पानीपत में ठिठुरन भरा दिन रहा, पर शहर के चारों ओर सियासी गर्मी इसलिए दिख रही थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर शाम 6 बजे यूपी से पानीपत में सनोली बॉर्डर पर आने वाले थे। पानीपत के सेक्टर 13-17 में रैली स्थल और राहुल गांधी के रूट पर बड़े बड़े स्वागत द्वार, होर्डिंग्स, कियोस्क और बैनर लगाए गए हैं। कांग्रेस नेताओं में पोस्टर वार छिड़ा रहा, एक के ऊपर दूसरे और उस पर तीसरे का बोर्ड। ये है करीब 1.25 लाख स्क्वायर फीट का सेक्टर 13-17 का रैली स्थल। 1.25 लाख कुर्सियों का इंतजाम किया गया है, 3 लाख से ऊपर की भीड़ जुटने का भी दावा। हमारे खरगे साहब आ रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट, हमारे धामी ये आ रहे हैं, असम के पुराने चीफ मिनिस्टर, पौंडेचेरी के पुराने एक्सीएम सामी साहब, इधर से हिमाचल के जो हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं वो आ रहे हैं। इनकी कन्फर्मेशनें आ चुकी हैं और बहुत सारे नेता दिल्ली से आएंगे, जो AICC के जनरल सेक्रेटरीज हैं, जो अहदेदार हैं, सब आएंगे। चूंकि कांग्रेस नेता बहुत जोश में हैं, गुटबाजी के बावजूद प्रदेश के सभी बड़े कांग्रेस नेता पानीपत पहुंच रहे हैं, इसलिए सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रदेश के सभी 22 जिलों से पुलिस की व्यवस्था की गई है, 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मी, इनमें 9 ASP, 28 DSP और 5 दर्जन से ज्यादा इंस्पेक्टर शामिल हैं। राहुल गांधी शाम करीब 6 बजे यूपी के कैराना से कार में बैठकर पानीपत के सनोली बॉर्डर में दाखिल होंगे। यहीं कंटेनर में वो एक खेत में रात्रि विश्राम करेंगे। सुबह 6 बजे उनकी पैदल यात्रा शुरू होगी, जो संजय चौक पानीपत पर खत्म होगी। फिर राहुल अनाज मंडी में लंच करके दोपहर को हरियाणा की एकमात्र रैली को यहीं संबोधित करेंगे। यानी हरियाणा के दूसरे चरण की राहुल यात्रा प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट में 6 जनवरी से शुरू। प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट पिछले चुनाव में बीजेपी के लिए अहम साबित हुई है, इसलिए कांग्रेस अब जीटी रोड बेल्ट में सेंध लगाना चाहती है। जीटी रोड बेल्ट के एक तरफ दिल्ली और दूसरी तरफ चंडीगढ़ है, इसलिए राहुल गांधी युद्धों के मैदान पानीपत से दूसरे चरण की यात्रा शुरू कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ वीरेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत, बीरू।